कल मनोज तिवारी जी ने एक तरह से धमकी दी है केजरीवाल जी को, और मनोज तिवारी जी की उस धमकी से यह साफ हो जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की हत्या करने की साजिश कर रही है। जिस तरह से कल मनोज तिवारी जी ने जिस भाषा में बात की है वह पूरी तरह से खुली धमकी है कि षड्यंत्रों में अरविंद केजरीवाल जी को फंसाने में नाकामयाब भाजपा तरह तरह की गाली गलौज, तरह तरह के आरोपों, तरह तरह के झूठ में उनको बदनाम करने की कोशिशों में नाकाम हुई भाजपा अब हत्या की कोशिशों पर उतर आई है। जिस तरह का अब षड्यंत्र रचा गया है वो मनोज तिवारी जी की भाषा से साफ हो जा रहा है। मनोज तिवारी जी कहने के लिए कह रहे हैं कि कोई हमला कर सकता है, लेकिन उनको कैसे पता, उनको कैसे अंदाजा है इस बात का, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। आज हम इस मामले की शिकायत इलेक्शन कमीशन में भी करेंगे और FIR भी कराएंगे और मांग करते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को हत्या की धमकी देने के आरोप में मनोज तिवारी जी को गिरफ्तार किया जाए और उनसे पूरी पड़ताल की जाए कि उनको इस षड्यंत्र के बारे में क्या क्या पता है, कौन कौन लोग इस षड्यंत्र में शामिल हैं, उनके फोन से लेके उनके मूवमेंट, उनके आसपास के कितने लोग इसमें शामिल हैं, इसकी पूरी जांच की जाए, क्योंकि ये मामला सीरियस है। भारतीय जनता पार्टी का एक नेता अरविंद केजरीवाल जी की हत्या की धमकी दे रहा है, वो पहले से बता रहा है कि ऐसा होने जा रहा है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। आज अरविंद केजरीवाल देश में एक बहुत लोकप्रिय नेता है, वो एक काम करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं, लोग उनको इस रूप में देखते हैं कि ये व्यक्ति जो कहता है वो करके दिखाता है। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.